तो कैसे हैं भाई, सब मस्त है? शुरू किया जाए। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि गॉस लॉ के बारे में पढ़ा है। गॉस लॉ पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे आपको क्या करना था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गॉस लॉ के कुछ जो कॉन्सेप्ट था उसको पढ़ा हम लोगों ने। पढ़ा वेन सरफेस इज अ स्फेरिकल या यूनिफॉर्म सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग ये पढ़ा सरफेस पे क्या होगा, सरफेस के जो है इंटरनल सरफेस पे क्या होगा, उसके बाद सरफेस के इनसाइड में क्या होगा। तो तीनों कंडीशन पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है, देखो लिखा हुआ गॉस लॉ में एप्लीकेशन में हमें एक हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे फाइंड द फील्ड ड्यू टू द इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो सीधा हम लोग लिखेंगे, हम क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन व्हाट इज दी, क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, व्हाट इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। इसको चाहे नीट वाले देख लो, इसमें नीट में कई सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, दो तीन बार इसके क्वेश्चन पूछे गए और डायरेक्ट एग्जैक्ट ऐसे 2018 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट इसके फार्मूले से पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर इसमें है कि नहीं है, शेप में सिलेंडर है, 3D में सिलेंडर नहीं है ये, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये इतना बेहतरीन खूबसूरत सा सिलेंडर हमने बना लिया, ठीक है, सुंदर सा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक वायर ही डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं वायर, ये यहाँ पे इस पर क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज क्या हो रहा, फ्लो हो रहा, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे, ये जो है R रेडियस है और इस सिलेंडर की जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसमें ये वायर पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो यहाँ से लेके ये जो यहाँ पे वायर पड़ा हुआ है, इसकी पूरी लेंथ क्या है, L है, L क्या हो जाएगा, L। और इस वायर की जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। याद रखना सरफेस चार्ज डेंसिटी लेमडा को डिनोट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए। तो हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू यहाँ पे ई, या ऐसे भी कर लेंगे, यही लाइन पे लिख दे, अरे क्या हो रहा है बेटा, हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई हाई है। बताओ ये सिलेंड्रिकल वायर है, अगर ये सिलेंड्रिकल वायर है तो ये जो सिलेंडर आपका बन रहा, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, हैं बताओ, मैथमेटिक्स में नहीं बताया, पाई आर एल, टू पाई आर एल, टू पाई आर एच होता नहीं, टू पाई आर एच सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। अगर सरफेस एरिया देखेंगे तो क्या होता है, टू पाई आर एच होता है, क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होता है, टू पाई आर एच करके होता है, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पाई, और ये आर क्या है, छोटू वाला आर है, और ये एच की जगह क्या है आपका बेटा, एल है कि नहीं, yes। तो अब हमें ये बताओ, क्या बताओ, कुछ भी बता दो, नहीं बताओ ना कुछ भी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ये क्या ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सब आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड में हो जाएगा टू पाई और छोटा वाला आर मल्टीप्लाइड बाई एल, यही तो होगा, yes। सब इधर चलाएगा, तो फिर ई इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल हमें पता है, yes।
तो क्यू बाई एल की जगह पे लैम्डा लिख देंगे, तो ये लिखेंगे वन अपॉन और लिखेंगे टू पाई और एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ आया कि नहीं है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल, क्यू बाई एल को हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा, क्या लिखेंगे, क्यू बाई एल, ये क्यू बाई एल को हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा, क्या लिखेंगे, लैम्डा, या लैम्डा से डिनोट करते हैं, और नीचे क्या बचेगा, आर, समझ में आए कि नहीं है, क्या बचेगा, आर। तो यही आपका क्या हो गया, यही आप, ये तो सिलेंडर बन रहा, ये क्या सिलेंडर नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चा, यहाँ पे होगा इज इक्वल टू टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, समझ में आया कि नहीं है? वट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। या थोड़ा इसको और आसान करने के लिए थोड़ा और मैं बता दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे, अरे यार ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब देखो ये लिखा वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और है लैम्डा बाई कितना है, R है। अगर मैंने यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई ऊपर किया और दो से नीचे कर दिया तो क्या वन अपॉन फोर पाई बनेगा कि नहीं बनेगा? yes, yes, तो ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू लिखेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और टू लैम्डा बाई कितना हो, वही तो लिखा हुआ है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा बाई आर। या इसी को ऐसे भी कर सकते हो, E इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K, तो ये हो जाएगा टू के लैम्डा बाई कितना हो जाएगा आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें आएंगी तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं सारे के सारे फटाफट उतारे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सीट का पढ़ते हैं, ठीक है। ये किसका था, लीनियर चार्ज का, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हो गया। yes, yes, ये इसको मैंने वहीं करवा दिया था जो इन्फिनाइट वाला था, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो हो गया। yes, लिखो What is the electric field due to plane sheet? ठीक है, अब अगर plane sheet की हम लोग बात कर रहे हैं, plane sheet की, तो plane sheet को ये ऐसा ले लेते हैं, ये कहा plane sheet, और इस प्लेन सीट पे क्या है कि चार्ज का क्या है, चार्ज, चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस प्लेन सीट पे क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इस प्लेन सीट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहाँ पे स्मॉल एरिया से क्या है, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब ऐसे बना ही रहे तो पढ़ाई जाए, बढ़िया से ही पढ़ा जाए, समझ में आ रहा है कुछ नहीं, नफीस सर से हम कम थोड़े हैं, डॉक्टर नफीस सर से, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है इस तरफ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, क्योंकि चार्ज है ना अंदर, ठीक है। तो एरिया क्या है, बहुत छोटू सा एरिया है, यहाँ पे छोटू सा एरिया डी ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी पास हो रहा क्या, ई, और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा क्या, टी, समझ में आ रही है? तो दोनों एक दूसरे का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ प्लेन सीट,
तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीधा क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है? yes. ठीक है, और अगर ये किसी एंगल पे हो रहा है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईए कॉस थीटा। ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ईए। तो बताओ अगर नेट लिखेंगे तो फाई इज इक्वल टू दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईए। ईए इधर और ईए क्या हो जाएगा, ईए। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ई ए। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ई ए। समझ में आएंगे? अरे यहाँ पे फाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे निकलेंगे, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टू ए, तो ये हो जाएगा हाँ क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। अब जैसे वहाँ पे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सिलेंड्रिकल का जब हम लोग देखे थे या स्ट्रेट वायर का देखे थे, क्या था, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ऐसे यहाँ पे क्या है कि प्लेन सीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन सीट को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे, उसको किससे, लैम्बडा से, इसको किससे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू वाई क्या होगा, ए। समझ में आएगी नहीं है, क्यू वाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई इज इक्वल टू बाबू क्या लिखेंगे, क्यू वाई को क्या लिखेंगे, सिग्मा, तो सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, टू एप्साइलन नॉट। क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा टू एप्साइलन नॉट। तो यहाँ पे आपका निकल आया सिग्मा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्साइलन नॉट। ये निकल आया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो पढ़ा, ठीक है, सात, कितने बजे तक क्लास थी आज, साढ़े सात तक, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 12 हो गए ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो आज जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे इस वाले लेक्चर में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यहाँ पे याद कर लो ई इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई आर, समझ में आ नहीं है? लैम्बडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा प्लेन सीट पे, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं है? सिग्मा क्या जो है, ये प्लेन सीट की क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में हम लोग यहाँ पे क्लास को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को वाइंड अप करते हैं। जो भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे एसएससी बोर्ड का, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो नीट के बच्चा हो, सबके लिए 100% यहाँ से लिख लो, यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपको किसके बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, आपके नीट में क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ ही जाता है, आईटी में क्वेश्चन तो आपके पूछ ही जाता है, इन दोनों में से चाहे ये और चाहे ये, आपको एक बार हर एक साल ये आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। समझ में आया कि नहीं है? सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेन सीट का, या चाहे आपका किस्मत जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, दोनों दे के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। समझ में आया कि नहीं है? तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को वाइंड अप करते हैं, जितने भी लोग हैं ये सारे का सारा क्लास को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।